उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज इस लाइव टेस्ट में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का ये 58वें नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें हर दिन की तरह 20 प्रश्न रहते हैं। ये प्रश्न आपकी ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का अपना ये लाइव टेस्ट और चेक करते हैं आपकी तैयारी को। तो पहला प्रश्न है, आप पर देखिए कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर, बी ऑप्शन 29 अक्टूबर, सी ऑप्शन 22 अप्रैल, बी ऑप्शन 23 अप्रैल। देखिए विश्व मौसम दिवस की बात हो रही है, आपको पता है राइट आंसर डी हो जाएगा, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम दिवस, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीडी अग्रवाल एक है पर्यावरण इंजीनियर, खगोल शास्त्री, कृषि वैज्ञानिक या पक्षी वैज्ञानिक। दो में आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण इंजीनियर। तीसरा प्रश्न, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, अहमदाबाद, नैरोबी। प्रश्न संख्या 3 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, किसकी क्रिया में CO2 का अपचयन तथा जल का अपचयन होता है, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादन में, प्रकाश संश्लेषण में, रासायनिक क्रिया में। 4 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में। 5वां प्रश्न, प्रकृति का महत्व किसे कहा जाता है, अपघटनकर्ता को, सफाई कर्मी को, उपभोक्ता को, शाखा बक्सी को। चलिए प्रश्न संख्या 5 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अपघटनकर्ता को। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वानिकी के अंतर्गत किसके किनारे सरकारी भूमि का वानिकीकरण वनीकरण अवधारणा, सड़क, नहर, रेलवे ट्रैक या उक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट, उक्त सभी। अगला प्रश्न, विश्व की विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति कहाँ पर है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या चीन में। प्रश्न संख्या 6, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चीन में, ठीक है। 8वां प्रश्न, ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की परावैगनिक किरणों के साथ अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, ओजोन का, वायु का, गर्मी का या परमाणु का। प्रश्न संख्या 8 ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ओजोन का। 9वां प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, 18 अक्टूबर 1968, 15 अगस्त 1965, 19 नवंबर 1986 या 10 जून 1986। प्रश्न संख्या 9 आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का शिक्षण विधियों के लिए किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, पर्यावरण शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, पर्यावरण शिक्षा के अंतः अनुशासित आयाम, पर्यावरण शिक्षा की अनौपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। हाँ, 10 में आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न, ध्यान गंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 11 आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे, तो देखिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर, कोलकाता, नई दिल्ली, देहरादून या भोपाल। प्रश्न संख्या 12 आपका राइट आंसर सी होगा, देहरादून। प्रश्न संख्या 13, किसे भारत का पहला चिपको आंदोलन कहा जाता है, बिश्नोई आंदोलन, खैरी आंदोलन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 में सी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में 8 प्राकृतिक बाधाओं द्वारा
कब प्रारंभ किया गया था? 15 सितंबर 1883, 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1888 या 1 जनवरी 1883? चौथा प्रश्न आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदर्श हरी खाद फसल का गुण क्या? उगाने में न्यूनतम खर्च, कम से कम पादप संरक्षण, अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या उपरोक्त सभी? प्रश्न संख्या 15, राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव है? नाइट्रोस्ट्रॉग, एनावीना, साइनोबैक्टीरिया, उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कहां पर स्थित तेल शोधन शाला से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल की संगम संगमरमरी दीवारों की क्षति पहुंचाने की आशंका कई बार व्यक्त की गई? बरेली, मथुरा, नागपुर या बरौनी? प्रश्न संख्या 17 में डी ऑप्शन राइट होगा, मथुरा। 18वां प्रश्न, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन या थॉमस एंड मॉर्गन? चलिए आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 18, आपका ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा, ठीक है। 19वां प्रश्न, सल्फर अम्लीय गैस का स्रोत है? ज्वालामुखी, उद्गार, मृदा में जैविक प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या उपरोक्त सभी? 19वें डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 30, इनमें से जल का रूप कौन सा नहीं है? क्षारीय जल, अम्लीय जल, तटस्थ जल या ठोस जल? 20वें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठोस जल। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कार्बन टैक्स कब से कब लगाया गया था? 1 जुलाई 1910, 1 जुलाई 2010, 15 अगस्त 1947, 1 मई 1910? प्रश्न संख्या 21, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न, तंजानिया की ज्वालामुखी का नाम बताना, कोपा, देवबंद, किलिमंजारो या चिम्बाराजो? 22वां प्रश्न देखेंगे और 22 में आप राइट लगा देंगे, कौन सा ऑप्शन बताएंगे जल्दी से? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन लगाएंगे। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उपबंध किया गया? अनुच्छेद 13, 15, 22, 21? प्रश्न संख्या 23, राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या? आर्सेनिक विषाक्तता, शीशा विषाक्तता, पारद विषाक्तता या कैडमियम विषाक्तता? 24वां प्रश्न, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पारद विषाक्तता। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे अधिक ओजोन क्षरण का कारण क्या? ध्रुवीय भाप, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव, ध्रुवीय समता, मंडलीय बादल या उपरोक्त सभी? चलिए आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 25 में, आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, यूवी विकिरण से मानव स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव होगा? त्वचा कैंसर में वृद्धि, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, मनुष्य दीर्घायु होगा या केवल ए और बी? प्रश्न संख्या 26 में आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्र नहीं है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? 27 में आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की स्थापना की गई थी 1982, 1988, 1990 या 1991 में? 28वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गिर शेर परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या कर्नाटक? प्रश्न संख्या 29, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, गुजरात में। और प्रश्न संख्या 30, ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, महासागरों के जल स्तर में वृद्धि, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव, उपरोक्त सभी? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट काफी पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।